सत्संग से है ना जीवन बदल जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, दृष्टांत। एक राजा ने दो तोता खरीद लिए। तोता के बच्चे होते हैं ना, तोता पिल्ले, पिल्ले हिंदी में थोड़ी बोले, बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना बच्चे। एक कसाई के घर में देते, छोटा क्या बोलो, जुदा। तब बच्चे सुनते, एक कसाई के घर में थे, वो बड़ा हो गया, बात तोता हो गया, लेकिन वहां के जो संस्कार थे गाली गलौज के, उसके वो संस्कार लग गए। और एक बड़े पंडित के घर में, विद्वान भक्त वैष्णव के घर में रखा था वो, उसको बहुत संस्कार, श्लोक भी गीता के श्लोक भी पढ़ने लगा, भागवत के श्लोक पढ़ने लगा, शास्त्र का भी बातें बोलने लगा। होता था राजा पहले कसाई के घर के पोता के पास गाली दिया कि मूर्ख आ गया है, तुम भगाओ यहां से, लात मारो। राजा ने उसको भी, और पंडित के घर गए जो वैष्णव थे, उनके घर गए, वो बोला आइए महाराज, पधारिए, विराजिए, आपका क्या स्वागत करें, आपकी क्या सेवा करूं, उनको जलपान कराइए, शरबत बनाइए, ऐसा बोलने लगा और गीता के श्लोक बोलने लगा। तो राजा बोला कितना ये सुंदर है, और ये कसाई का तोता मेरे को गाली दिया, इसको मार डालो, इसको जीवित नहीं छोड़ना। लेकिन वो जो दूसरा तोता था पंडित का, वो बोला उनको मारना मत, उसको मारना मत, मैं जो अच्छा बोल रहा हूं ये मेरा गुण नहीं है, और जो गलत बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, वो उसका दोष नहीं। इस संगत का परिणाम, सत्संग में आदमी सुधर जाता है, इसीलिए तद विधि पर निभाते। लेकिन उसको क्या, हाँ श्रद्धा, पहले श्रद्धा थी, बिना श्रद्धा के तो आ ही नहीं सकता।